हेलो दोस्तों, टारगेट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर 2018। आज के दिन के जो भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट बनेंगे, जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है, वो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस PDF को आप मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे वहाँ पर टेलीग्राम और मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे रखी है। वहाँ पर आप विभिन्न एग्ज़ाम्स के मटेरियल्स के लिए आप उन ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 19 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स। जमाल खाशोजी किस देश के एक पत्रकार है? अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये जमाल खाशोजी सऊदी अरब के एक पत्रकार हैं, और ये 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल, जो कि तुर्की में है, वहाँ पर ये सऊदी अरब के दूतावास गए थे, और ये वहाँ से दूतावास से वापस बाहर नहीं निकले। ऐसा आशंका जताई जा रही है कि जो वहाँ की पुलिस है, वो उन्होंने इनकी मृत्यु कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है। जानते हैं सऊदी अरब के हिस्टोरिक फैक्ट के बारे में। तो जो सऊदी अरब की राजधानी है वो है रियाद, यहाँ की मुद्रा है रियाल। रियाद यहाँ की राजधानी है और मुद्रा है रियाल। यहाँ के राजकुमार हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के लिए आज नई दिल्ली पहुँचे हैं? ये किस देश के प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे, ये हैं श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री, और ये 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक ये अपने साथ एक प्रबंध समिति भी लाए हैं, जिनमें जो हैं आर्थिक मामलों पर जो MOU साइन होंगे भारत और इंडिया के बीच में, वो काफ़ी अहम होंगे दोनों देशों की आर्थिक इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। जानते हैं श्रीलंका के स्टैटिक फैक्ट। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति हैं यहाँ के मैत्रीपाला सिरीसेना, और जो प्रधानमंत्री है वो है रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, ये जो नारायण दत्त तिवारी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन हो गया 93 वर्ष की उम्र में। यह किस राज्य से थे? ये थे उत्तराखंड राज्य से। इनका निधन हो गया है। देखते हैं नारायण दत्त तिवारी के बारे में कुछ फैक्ट। तो इनका जन्म 18 अक्टूबर 1925 को हुआ था नैनीताल में, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 76 से 77, 84, 85 तथा 88, 89 के दौरान मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश राज्य के, और 2002 से 2007 तक ये उत्तराखंड के भी राज्य मुख्यमंत्री रहे। ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री है। 2007 से 2009 के बीच ये आंध्र प्रदेश के 21वें राज्यपाल भी रहे हैं। बढ़ते हैं उत्तराखंड के स्टेटिक फैक्ट्री की तरफ। तो उत्तराखंड की जो पुराना नाम था वो था उत्तरांचल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि BJP पार्टी से है। यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, ये एक लेडी है। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। यहाँ की विधानसभा सीटें 71 हैं, और लोकसभा सीटें 5 हैं, और राज्यसभा सीटें 3 हैं। ये है उत्तराखंड। यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की शाही लीची को विशिष्ट भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्राप्त हुआ है?
ये जीआई टेक प्राप्त हुआ है बिहार की शाही लीची को, और ये जो शाही लीची जो जीआई टेक दिया जाता है, ये दिया जाता है उस किसी विशेष क्षेत्र को, ये दिया जाता है कि बिहार, जैसे दार्जिलिंग की चाय, तिरुपति के लड्डू, कांगड़ा की पेंटिंग, उसी तरीके से बिहार की शाही लीची फेमस है, नागपुर के संतरे और कश्मीरी पश्मीना भी फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है वहाँ पर जो इनका उत्पादन होता है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ जो उत्पादन होता है वो होता है बिहार में 40% लीची का उत्पादन किया जाता है। युवा ओलंपिक खेल 2018 में 15 वर्षीय आकाश मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो ये जो आकाश मलिक हैं ये हरियाणा राज्य के हैं और ये 11वीं क्लास के छात्र हैं। इन्होंने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। ये जो युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 चल रहे हैं ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में चल रहे हैं और ये 6 से 18 अक्टूबर तक इनका आयोजन रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये जो AMFI है इसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो निमेश शाह बने हैं, जो ICICI प्रूडेंशियल फंड म्यूचुअल फंड के चेयरमैन थे। इन्होंने AMFI का नया चेयरमैन बने हैं ये, और इन्होंने बाला सुब्रमण्यम जो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड थे उनके स्थान लिया है। जानते हैं AMFI के बारे में। AMFI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो टोटल म्यूचुअल फंड्स फर्म्स हैं वो टोटल 44 इसकी सदस्य हैं। हिंदी साहित्यकार जो हैं ममता कालिया को व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जो ये पुरस्कार दिया गया है ये किस राज्य की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने प्रदान किया है? तो ये जो मृदुला सिन्हा हैं ये गोवा राज्य की राज्यपाल है और इन्होंने इसे ममता कालिया को ये व्यास सम्मान प्रदान किया है। इस व्यास सम्मान में 3.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। यह इनकी उपन्यास जिनका नाम है दुखम सुखम के लिए दिया गया है। इन्हें और भी पुरस्कार मिले हुए हैं जिसमें यशपाल पुरस्कार है, यशपाल सम्मान है। बढ़ते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। राज्यपाल के बारे में जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्रा। बाकी राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, मृदुला सिन्हा गोवा की राज्यपाल हैं, और राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं कुछ एसएससी के जो जीएस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही से मेल नहीं खाता है ये हमें बताना है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ लाइन, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये बिल्कुल राइट है। और मैगिनोट लाइन जो है वो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में है, ये भी सही है। दुरंती लाइन बांग्लादेश एवं भूटान के बीच में, ये दुरंती लाइन नहीं होता है, ये होती है डुरंड लाइन। डुरंड लाइन होती है बांग्लादेश और भारत के बीच में। हिंडनबर्ग लाइन होती है बेल्जियम और भारत के बीच में। तो इसका जो
सही मेल नहीं है, वो है दुरंती लाइन बांग्लादेश एवं भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये नाभिक के विखंडन विखंडन के न, पर ये सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो थे सी राजगोपालाचारी, और जो ब्रिटिश वायसराय थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे लॉर्ड माउंट बेटेन स्वतंत्र भारत के। MOM का पूर्ण रूप क्या है? ये जो MOM है ये है मार्स ऑर्बिटल मिशन। जो मार्स पर मिशन गया था हमारा उसका नाम रखा था ये MOM, मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट्स करें, और बताएं मुझे आपको ये वीडियोस किस कैसे लग रहे हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शंस लिंक में जो PDF है उसे डाउनलोड कर दीजिए, और आप वहाँ पर जो ग्रुप लिंक दी हुई है उसमें जुड़कर अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।